दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय, जब कोई सोसाइटी का एक समिति सदस्य या बहुत सारे सदस्य इस्तीफा देते हैं तो ऐसे समय में क्या होता है, उस सोसाइटी में क्या हो सकता है, इसके बारे में आज का वीडियो। तो पहली बात हम ये समझेंगे कि कुछ समिति सदस्य या बहुत सारे सदस्य जब इस्तीफा देते हैं तब आपके सोसाइटी के प्रबंध समिति की ताकत क्या हो गई है। अगर मानो 7 के नीचे आ गई है तो शेष समिति सदस्यों को अपने समिति को भंग करना पड़ता है और ऊपर रजिस्ट्रार को कमिटी का चुनाव लेने के लिए उसको सूचित करना पड़ता है। अब सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के मॉडल जो उपनियम है उसके अनुसार सोसाइटी यानी हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति जो होती है वो 5 सालों के लिए होती है और जो क्वालिफाइड सदस्य है उनके द्वारा चुना जाता है। अब प्रबंध समिति में एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और ये तीनों के सहित कम से कम 7 और अधिकतर 11 सदस्य हो सकते हैं। यानी तुमको 7 से 11 इन सदस्यों का आपको जैसे बोलता है बैलेंस रखना चाहिए। अगर 7 के नीचे गए तो गए काम से। अब बहुत ऐसे खाली इस्तीफा ही नहीं, अलग अलग कारणों से सदस्य कम हो सकते हैं। मतलब इस्तीफा देना है, अगर मान लो किसी सदस्य को मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इस्तीफा देना है, तो कैसा देगा? मुंह से बोला है मेरे को नहीं काम करना है, चलेगा या नहीं चलेगा? उसको लिखित स्वरूप से उसको अपना इस्तीफा देना पड़ता है और वो किसको देना पड़ता है? वो अध्यक्ष या सचिव के नाम पे देना पड़ता है, पहली बात ये। फिर लिखित समिति इस्तीफा जो है वो समिति के सामने आएगा। वो समिति के सामने आने के बाद जब वो माना जाता है, वो एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है उस तारीख से, या मान लो एक्सेप्ट किया है अध्यक्ष और सचिव ने, लेटर एक्सेप्ट किया है और मीटिंग ही नहीं ली, तो 1 महीने के बाद इसमें से जो पहला होता है उस दिन से वो इस्तीफा स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। यानी मान लो किसी ने इस्तीफा दिया, आपने 3-3 महीना मीटिंग ही नहीं ली, तो क्या होगा भाई? 1 महीने के बाद उसका इस्तीफा मंजूर है करके माना जाएगा, क्योंकि आपने मीटिंग नहीं ली, आपकी गलती। अब ये खाली इस्तीफे की बात नहीं, मान लो किसी सदस्य का मृत्यु हो गया या अयोग्यता उसको किया गया कि उसको निष्कासन कर दिया या इस्तीफा दे दिया, ये कुछ भी होवे तो प्रबंध समिति में कोई भी रिक्त जगह जो होती है उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी जगह समिति अपनी अगली बैठक में सामान्य निकाय के अनुमोदन से पात्र जो रहते सदस्य उनमें से किसी को चुन के वो सदस्य करके ला सकते, सहयोजित कर सकते। अब ये सहयोजित सदस्य उस सदस्य के कार्यकाल के शेष अवधि के लिए ये पद ग्रहण करता है, यानी सदस्य पद ग्रहण करता है, पूरा नहीं, उस जो टर्म बाकी था उसके लिए हो। 3 साल, 2 साल गए, 3 साल बाकी है, बीच में रेजिग्नेशन दिया वो 3 साल के लिए हो जाएगा। यदि प्रबंध समिति के आधे से ज्यादा सदस्य ने किसी भी कारण हो इस्तीफा दे दिया तो या तो पद में रहने के लिए नामंजूरी दे दी, तो रिक्त जगह भरने के लिए एक स्पेशल एजेंट बुलाना पड़ता है और स्पेशल एजेंट 1 महीने के अंदर बुला के उसमें वो जगह भर सकती है। और माने एजेंट ही ले नहीं पाए या तो कोरम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को आवेदन देना पड़ता है। किसी ने एक ने आवेदन दे दिया भाई इलेक्शन ले लो, या तो एडमिनिस्ट्रेटर आप हमारे इधर ला के बिठाओ, हमारा ये सोसाइटी का ये मैनेजमेंट उसको करने के लिए। अगर एजीएम में अगर समिति चुन ली गई तो वो नवनिर्वाचित जो सदस्य हो पिछली समिति के कार्यकाल जो शेष अवधि है उसके लिए वो कार्य करेंगे। आज का विषय, बीच में से किसी ने अगर इस्तीफा दे दिया तो क्या हो सकता है और उसके बारे में मैंने कहा। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने ये विषय रखा।
अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।